परिवार के 5 सदस्य डूब चुके हैं गंगा घाट पर, जिसमें कि 3 लेडीज और 2 युवक हैं, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक यह घटना है। तो इसमें जैसे कि आपको कहा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। तो चलते हैं वीडियो में आगे और आपको पूरी घटना की मैं जानकारी देता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए दोस्तों। चन्ना आवे, अरे चन्ना आवे है किन नगर पाल गाड़ी वाले तो कैमरा को बुड़ते आ भैया। अरे मामा को तो फोन कर दो, इतनी बड़ी घटना घट गई है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बुलाए दोस्त ने। ये जो नीचे नीचे करिए और कौन कौन है? एक घाटी आवाज से है, ये सी घाटी आवाज वो बोट हो गया, ये सी वाला कहाँ का घाटी आवाज। अच्छा अच्छा, आगे सर, आगे सर, वहाँ से सर 100 मीटर आगे। अरे अपनी डायरी तो चीजों का ख्याल रखो। सुनो गाड़ी देर बता रहे हैं, कहाँ नहाते हैं? नहाते हैं लोग आगे, कहाँ कहाँ यहाँ नहाते हैं? नहाते आगे बिना घास के किनारे में जहाँ पानी देख कर रहे हैं। कितने लोग आए? 20 लोग।
क्या एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूबे हैं या बचाने के चक्कर में शुरू में एक दो लोग डूबे हैं तो उनको बचाने के चक्कर में आगे बढ़े और लोग थे कई सारे लोग अंदर गए थे तो कुछ लोगों को तभी निकाल लिया गया जैसे इलाका तुषार है उसका मदर को अपने भाई को निकाल लिया गया कितने लोग डूबे पाँच डूबे पाँच दो लोगों को तभी निकाल लिया गया दो मर गए दोनों अरे तुषार जिंदा नहीं दूंगा घर के लोग हैं हाँ सर घर तुषार के थोड़ा हाथ में हाँ बेटा कहाँ के रहने वाले भैया किसावा डेटा खुद डेटा जलालपुर कौन सा खुद है जलालपुर जलालपुर किसावा जलालपुर कई जने आए सभी लोग आए थे घर के बच्चे और हमारी दोनों बहन आई थी दोनों भांजे पड़ोस के वो आए थे मंडन था हाँ जी मुंडन था छोटे भाई के लड़के का कई बजे की घटना है घटना तो साढ़े छः बजे चले अभी हम लोग तो देख रहे हो जो बेहतर हो सकता है गांव के भी गोताखोर बुला लिए हैं एनडीआरएफ भी आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जैसे पता चला हम लोगों को भेजे हैं और जो गंगा मैया है किसका मुंडन था ये छोटे भाई के लड़के का जो बेहतर कौन कौन लोग टूटे हैं मेरी बहन और भांजा बहन की 45 थी और भांजी के 18 साल का था जी और बाकी कौन लोग मेरी पत्नी थी नहीं थी और मेरे छोटे भाई की पत्नी थी और एक मेरे चाचा का लड़का था दो मेल तीन फीमेल हाँ जी उसकी मदर भी इसको ये साइड मदर चाची बुआ मदर ताई बुआ और मेरा भांजा और चाचा क्या नाम आपका है मनोज कुमार सर कोई नीरज आपकी बहन है इधर ही बुलवा लो गाड़ी वहाँ लड़के की डेथ हो गई मदर की डेथ हो गई इनकी बहन तो तत्काल दबी निकाल ली थी सर ऑन स्पॉट सीएससी में डॉक्टरों ने पूर्ण घोषित किया जो वेलोसिटी है वो सिलेंडर की नहीं है कि निकल जाए हाँ जितना बह सकती बह जाएगी लेकिन जाएगी नहीं पहली वाले भी 200-250 मीटर ही मिली थी सर वही 300 मीटर तक होगा गोताखोर दर से भी अंतिका देवी से आप लग जाओ लोगों को जाना होगा
अभी चलाना मत। सर अनूपसर से जनपद के कई हिस्सों में गंगा जी बहती हैं और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं कि कभी कहीं डूबने की घटना है कहीं कहीं, तो इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए कोई बिल्कुल पूरी तरह से स्थायी व्यवस्था नहीं है। देखिए आज अलीगढ़ जनपद के डेटा जलालपुर गांव के पिसावा थाने के मुंडन कराने के लिए लोग आए थे और पांच लोग डूब गए हैं, कुछ खाने के लिए खड़ा है और दो पुरुष हैं और ये बहुत ही बड़े सभी जानते हैं गंगाना है, इनको उसमें उनके श्रद्धालु आते हैं स्नान करने अपने गर्भ काम कर रहे हैं। दुर्घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। NDRF की टीम बुलाई गई है, यहाँ लोकल गोताखोर बुलाए गए हैं और यहाँ जो तैराक हैं वो लगे हुए हैं, दो लोगों को मिली है, अभी तीन लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और पूरा प्रयास है, सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल लोगों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दे दिए और हम और DIG साहब दोनों मौके पर हैं, पूरी हमारे SDM CEO तहसीलदार थाने के इंस्पेक्टर या जितने भी लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं सारे लोग मौके पर हैं और पूरे परिवार के साथ पूरी संवेदना है और हम लोग यही प्रयास रहता है कोई घटना की, ये लगातार लोग यहाँ आते हैं, छोटी काशी बोलते हैं अनूप शहर को, यहाँ स्नान करने लोग आते हैं, घाट भी बने हुए हैं और अब की आप देख रहे हैं गंगा जी ने अपना जो धारा है वो काफ़ी मोड़ दी है, तो प्रयास यही रहता है कि बचाव कार्य हो लेकिन दुर्घटना घटी है जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर अभी तक पुष्टि दो लोगों की है, दो की मौत हो चुकी है, दो लोगों के मतलब जो बॉडी है वो मिली है जिनके बारे में डॉक्टरों ने बताया कि अब मृत है। थैंक यू सर। पहले करीब 300 लोग एक्सपायर होते थे, अनूप से के लोकल नागरिकों ने काफी काम किया, उसकी वजह से अनूप से सिटी में महीने वालों की संख्या 200 से लगभग 25-30 पुलिस में आ गई है, जो बेहतर हो पाएगा किया जाएगा, इसीलिए पूरी कार्य योजना फिलहाल ये है। सर जो आपकी PSC फ्लड प्लाटून की टीम यहाँ पर रह रही है वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक स्कूल में रुकी हुई है, वहीं महिला टीचर्स हैं, बच्चे हैं, मस्तराम घाट के पास एक वृद्धाश्रम है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, कोई काम में नहीं आ रहा है, यदि वो फ्लड प्लाटून वहाँ पर ट्रांसफर हो जाए तो ये PSC वाले लोग हर टाइम वहाँ पर मौजूद रहे। एक बात सर, दूसरा सर हमारा कहना ये है कि जो हमारा PSC फ्लड प्लाटून है उसके पास रिजर्व में पेट्रोल रहना चाहिए, हर बार ये समस्या होती है कि वो वहाँ से पहले तो पुलिस ढूंढेगी, फिर वो लदेगी बोट, फिर यहाँ पे आके उतरेगी, फिर हवा भरी जाएगी, फिर तेल की बात आएगी, तो ये तो मालूम है कि जब PSC की फ्लड प्लाटून आनी हो तेल चाहिएगी, तो उसके लिए रिजर्व में 20-50 लीटर रहे जिससे कि वो आते ही काम चालू कर दे, उसके बाद जो जरूरत हो उसको मंगाया जाए, लेकिन रेस्क्यू अभियान में देरी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता सर उनको आने में। एक चीज और है, रेस्क्यू अभियान तो डूबने के बाद है, अगर 30-40 सेकंड भी आदमी डूब गया तो बचे, वो तो सर 2 मिनट पहले सुनिए, जो इस तरह के इलाके हैं सबस्टिव हैं यहाँ पे वो एक बोर्ड अलग अलग जो है वो लगवा दिए जाए ताकि अब जो आत्महत्या करना चाहता है उसको कोई बचा नहीं सर, 2-4 दिन बोर्ड रहेगा वो बोर्ड भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो जो आत्महत्या करना चाहता है सबको मालूम है गंगा में यहाँ जाएंगे डूबेंगे, इन लोगों को लोगों ने रोका था, अब वही है जब मरना है जिनको नहीं मान रहे हैं, तो ये देखिए जनरल मैंने बता दी YouTube चैनल है।
ने भी आपको भी इस पूरी वीडियो के अंदर दिखाया है, काफ़ी भयानक घटना घट चुकी है गंगा घाट पर। और मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी सभी गंगा जी नहाने जाओ या कहीं भी हरिद्वार जाओ या यहाँ नहाने आओ तो कृपया करके सावधानी बरतें और बहुत ही ज़्यादा आराम से नहाएं गंगा जी में, कभी मौज मस्ती ना करें गंगा जी में। तो अब आपका भाई आपसे विदा लेता है, मिलता है अगली वीडियो में। पुश कर दे।